देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, मैं हूं पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे कि नई सरकार आ चुकी है, नई सरकार का गठन हो चुका है, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद पे पद भी ग्रहण कर लिया है। आइए हम लोगों से बात करके पता करते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से, वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या उम्मीदें हैं कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए। सर, आपकी नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? अच्छा उम्मीद है, अच्छा लाएंगे विचार, अच्छा लग रहा है कि इस बार शिबू सोरेन बैठे हुए हैं तो हेमंत सोरेन तो लग तो रहा है कि कुछ अच्छा उम्मीद है, कुछ होगा, विकास जनता का सभी का कल्याण होगा। आपको क्या लग रहा है कि क्या किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए सरकार को, पहले किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? पहले तो बस सफाई का मैं कहूँगा, सफाई का हर जगह का जो माहौल है, हर तरह काम अच्छा अच्छा काम आए, सबके जनता को फैसला अच्छी उम्मीद मिले, बस यही कहते हुए मैं कहूँगा कि सरकार से उम्मीद है हम लोग को कि बढ़िया से बढ़िया काम आए। लोगों को उम्मीदें हैं कि सरकार उनकी हर चीज़ों पर ध्यान दे, जैसे इन्होंने कहा कि सफाई पर पहले उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, इसी से बात करना चाहेंगे मैम। आप नई गवर्नमेंट से आपकी क्या उम्मीद है? मतलब सर, ने जो नया सरकार अभी बना है जेवीएम कांग्रेस का, तो इससे आपकी क्या उम्मीद है? बहुत सारी है, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं ना, वो हम लोग को अच्छा ही रास्ता दिखाएंगे, मतलब जो भी यहाँ रहेंगे वो हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि युवाओं का है कि उनका कहना है कि हमें जॉब वैकेंसीज में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, किसी को सफाई चाहिए तो किसी को ट्रैफिक की व्यवस्था सुधरी हुई चाहिए, तो किसी को जॉब वैकेंसी चाहिए, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। जो सरकार होती है वो जनता के लिए ही होती है, तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या करती है, इन हमारी जनता के लिए क्या करती है। बाकी खबरों के लिए बने रहे स्टार डी न्यूज़ के साथ। देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।